आज हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट पता होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एनी सब्सटेंस एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इट्स लिक्विड स्टेट इन इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड स्टेट। इट्स मीन बेटा इसमें ये मतलब होता है कि जो है किसी भी सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पर उसके लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर, ठीक है, लिक्विड स्टेट का क्या है वेपर प्रेशर आपके सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल। आ रही मसाल में? अब बेटा कुछ लोग कहेंगे कि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर मैम कह रही है, ठीक है, कि सॉलिड स्टेट में वेपर प्रेशर होता है? नहीं बेटा, होता है पर बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। मतलब यहाँ एक सब्सटेंसेस की वेपर प्रेशर होती है, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ पर मतलब हर एक सब्सटेंस की, आ रही मसाल में, हर एक सब्सटेंस की वेपर प्रेशर होती है, आप इस चीज़ को समझ लीजिए बस। अब इसे हम ग्राफिकली समझेंगे। सबसे पहले तो हमने एक क्या किया, एक सब्सटेंस लिया उसकी लिक्विड फेस ली और एक सब्सटेंस लिया जिसके हमने सॉलिड फेस ली। आ रही है बात समझ में? मतलब उसी सब्सटेंस की हमने सॉलिड फेस ली, दोनों का वेपर प्रेशर होगा। हालांकि सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, जैसे कि आपने टेम्परेचर घटाएंगे वैसे ही क्या है सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से घटेगा। जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे सॉलिड स्टेट का वेपर प्रेशर बहुत तेज़ी से घटेगा, लेकिन लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट से ज़्यादा होता है। ध्यान रखना, लिक्विड स्टेट में जो वेपर प्रेशर है सॉलिड से ज़्यादा होता है, तो धीरे धीरे जैसे हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा। आ रही है समझ? तो ये हमको जो मिला पॉइंट, ये क्या हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट मिला प्योर के लिए। आ रही समझ में? आ रही बस प्योर के लिए क्या मिला, फ्रीजिंग पॉइंट। उसको हमने क्या कर दिया, TF नॉट। टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घटता है हम सबको पता है। इसमें अगर हम सॉल्यूट ऐड करते हैं, आ रही बस समझ में, जैसे सॉल्यूट बढ़ाएंगे तो सॉल्यूट में आपको पता है कि उसको और जमने के लिए टाइम मिलेगा ना। जैसे आप अपने आप समझो, जैसे आप क्या करते हो पानी को फ्रिज में, पानी को बर्फ़ बनाने के लिए रखते हो तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन अगर आइसक्रीम या फिर कुछ आप उसमें सॉल्यूट घोल देते हो तो उसे जमने में बहुत टाइम लगता है। तो वैसे ही टेम्परेचर क्या करना पड़ता है हमें, वो करना पड़ता है। अरे समझे? तो यहाँ से क्या होगा इसका, ठीक, यहाँ पे क्या सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो धीरे धीरे करके क्या टेम्परेचर कम होगा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। आ रही समझ में? तो ये बन गया आपका सेकेंड पॉइंट। इसको हमने क्या कहा, TF, ठीक। तो पहला पॉइंट तो आपको मिला TF नॉट, लेकिन दूसरा जो मिला वो मिला है सॉल्यूशन के लिए जो बना वो क्या था आपका TF। और आपको पता है जो इनके बीच का जो गैप है उसको क्या कहते हैं हम, ΔTF। वही क्या कहलाता है, जो अंतर है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ΔTF, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, क्लियर। और यही जो प्योर सॉल्यूशन, क्योंकि वो घटना है, घटता है ना, घटता ही तो है, जो वो घटता है वही क्या कहलाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब देखो TF, ΔTF इक्वल टू TF नॉट, ठीक है, और TF, याद ध्यान रखना, यहाँ पे हमने पहले TF नॉट लिया है और यहाँ पे हमने TF नॉट में से, मैंने हमने TP में से TF नॉट को घटाया था और यहाँ से TF नॉट में से हमने TF को घटाया है, क्लियर, ध्यान रखना। फिर है बड़े से छोटे को घटाएंगे तो क्या है, ΔTF वही सेम सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूट पे ही डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पर ही, ठीक है। अब इसको है ΔTF प्रोपोर्शनल का साइन, मतलब एक क्या लेंगे, मोलैरिटी लेंगे, वही कंसंट्रेशन टर्म। फिर क्या है ΔTF KF, हमने उधर K भी लिया था ना बॉइलिंग पॉइंट के लिए, और ये क्या लेंगे KF लेंगे, क्लियर। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। अब क्या करेंगे हम इसमें ही बेटा आगे की सर, KF तो आपको पता ही है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था KF मोलल, वहाँ पे था मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, और यहाँ क्या होगा KF, KF है आपका मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट फॉर सॉल्वेंट, क्लियर। एम तो आपको पता ही है क्या होती है, मोलैलिटी, ठीक है, और वही W अपॉन M0 डॉट WKg, सेम वही इक्वेशन बनेगी, ये तो आपको पता ही है, तो इसलिए मैं दोबारा इसे सॉल्व नहीं कर रही, आपको पता है आराम से पहले की तरह ही है, W इंटू 1000 M0 मल्टीप्लाई क्या है W ग्राम, है ना, ग्राम में ले लिया इसलिए 1000 ऊपर चला गया, क्लियर होगी बात।
अब बेटा हम क्या पढ़ेंगे, पहले अभी इन दोनों की कंपैरिजन देखेंगे, पहले एलिवेशन की। और पता है आपको जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था, हमारा इक्वेशन था डेल्टा टी बी इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इसको हमने एम के वी तो दिखा था ना, ये तो पढ़ा था ना। अब हम सेकंड क्या था हमारा, डिप्रेशन, यूनिट पढ़ रहे हैं बेटा हम, ध्यान रखिएगा, यूनिट निकाल रहे हैं पहले इसकी हम, डेल्टा टी एफ। तो क्या आएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू एम के एफ, यानी इस ये इसका और ये, क्लियर। तो क्या है, डेल्टा टी वी इक्वल टू एम के वी और डेल्टा टी एफ इक्वल टू एम के एफ, है ना। तो अब क्या है, इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को हम लिखें, लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा टी बी अपॉन एम इक्वल टू के बी और डेल्टा टी एफ अपॉन एम इंटू के एफ, है ना। इसको ही तो लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब यूनिट हम लें, यूनिट ऑफ के एफ एंड के बी, ठीक है, दोनों की यूनिट लें, तब कैसे लेंगे बेटा, क्योंकि देखो दोनों की वैल्यू क्या है, डेल्टा टी लेंगे, टी वी टी एफ नहीं, सिर्फ ऐसा देखो दोनों की यूनिट निकालने के लिए, टेम्परेचर है ना ऊपर ऊपर नीचे, वो है मोलैलिटी, डेल्टा टी अपॉन एम, ठीक है। और इसका क्या होता है, डिग्री सेल्सियस, और इसका क्या होता है, मोलल, आ रही बात समझ में। और जब इसको हम चेंज करते हैं केल्विन में तो क्या आएगा, मोल पर के जी, है ना। तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा बेटा, जब ये ऊपर जाएगा तब आपका आएगा डेल्टा टी बाय एम इक्वल टू केल्विन डॉट के जी फॉर मोल, ठीक है, यूनिट निकल गई। इस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे फोर्थ क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, आ रही बस समझ में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर।